नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और नैस्डेक इंडेक्स भी डाउन है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी में ऐसा कुछ बड़ा मूव अभी तक तो नहीं आया, 80 पॉइंट्स डाउन है। इसके बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगा कि अमेरिका के बाजार क्यों गिर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है। वैसे आपको मैं बता दूं, आज उनकी फेड की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, FOMC की। 2 दिन की मीटिंग है, आज और कल चलेगी। कल आपके लिए आउटकम भी आ जाएगा इंटरेस्ट रेट्स को लेकर, मे बी उसी से रिलेटेड कोई खबर होगी, मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। बट अभी मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके नंबर्स आए और नंबर बहुत ज्यादा खराब आए हैं। ये कैंडिडेट बनता है कल लगभग 5 से 10% के क्रैश का, और इनकेस अगर ये ना गिरे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे एवरेजिंग, फ्रेश बाइंग और निकलने के मौके जरूर ढूंढने चाहिए, ठीक है। और एवरेजिंग और फ्रेश बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है, निकलने के मौके ढूंढने। अगर नहीं गिरता है तो, और गिर जाता है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो बस हो गया काम, अब वेट ही करना बेटर ऑप्शन होगा। स्टॉक का नाम है DCM श्रीराम लिमिटेड। स्टॉक के प्राइस की बात करें तो आज 819 रुपीज के लेवल्स पे ये स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखाया आपको, 819 पे लगभग 0.24% यानी 1/4% स्टॉक ऊपर था। इस कंपनी के नंबर्स देख के ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, इतने खराब नंबर कैसे पेश कर रही है कंपनी ने। पहले मैं आपको बता दूं, लगभग 3.60 रुपए का डिविडेंड पेश करा है, 3.60 रुपए पर शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। एंड स्टॉक के नंबर्स के ऊपर बात करें तो हर एक पैमाने पे बहुत खराब नंबर है। हालांकि मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बाजार की, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूं प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 400 करोड़ से घटकर 187 करोड़ हो गया है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेस पे तो मोर देन 50% गिर गया है प्रॉफिट। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 342 करोड़ से घटकर 187 है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों जगह मार पड़ी है इस कंपनी के प्रॉफिट पे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आगे कामकाजी मुनाफा देखोगे ना, यानी कि एबिटा, वो भी काफी हैविली टूटा, यानी कि कोई एडजस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 630 करोड़ के सामने 346 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आया है साल दर साल देखें तो। अगर कंपनी के आई की बात करें, रेवेन्यू की, तो वहां पे आपको उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेस पे। 2870 करोड़ के सामने 2850 करोड़ का रेवेन्यू साल दर साल कंपनी ने पेश करा है, केवल 20 करोड़ का रेवेन्यू कम आया है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट आधे से भी ज्यादा घट जाना ये एक प्रॉब्लम का विषय है। बात करें अगर साल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू की, तो 3380 करोड़ के सामने 2850 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी गिरावट है, प्रॉफिट में तो बहुत बड़ी गिरावट है, एंड कामकाजी मुनाफा भी घटता हुआ दिखा है। अब एबिटा मार्जिन देखोगे ना आप तो ये बहुत ज्यादा गिर गए हैं, 22.1% से घटकर 12.14% पे एबिटा मार्जिन आते हुए दिख रहे हैं। तो नो डाउट ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है मुझे, और ये कैंडिडेट बनता है मुझे लगता है एक बड़ी गिरावट का। नॉर्मली इस तरीके के स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन भी देते हैं, तो ये रिएक्शन अगर देगा तो डेफिनेटली खराब रिएक्शन हो सकता है। स्टॉक के ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई की बात करूं तो वो 1263 रुपीज का है, 52 वीक लो 730 का है, ऑलरेडी लोअर एंड पे चल रहा है, नंबर भी खराब आ रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक दोबारा अपना 52 वीक लो टेस्ट कर सकता है जितने खराब नंबर कंपनी ने पेश करे। इस कंपनी के बारे में देखें तो लगभग 12,700 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, और कंपनी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल और जो जो मुझे दिख रही है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कंपनी डाइवर्सिफाइड है, कंपनी के वैल्यूएशंस वगैरह भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि थोड़ा कंफर्ट कहीं से मिलेगा तो इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिलीफ होगा। DCM श्रीराम, जी हाँ, कंपनी की बुक वैल्यू देखें तो लगभग 397 यानी 400 मान लें तो राउंड फिगर में, तो 2 times पे अभी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है, 15.6% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी ठीक है, 19.6%, अच्छा बोलूंगा। डिविडेंड यील्ड 2% की है, चलो अच्छी बात है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टॉक का पी 14 का है, 14 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है। अगर मैं हिस्ट्री का पी देखूं तो ऊपर में लगभग स्टॉक आपको 20-25 के पी तक चला जाता है, नीचे में देखूं तो 4 के पी तक स्टॉक चला गया था कोविड के समय, और उससे पहले लगभग 10 के पी पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि ऐसा नहीं है वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, इससे भी नीचे जा सकता है ये स्टॉक नो डाउट। एंड इंडस्ट्री में मुझे कोई दिख नहीं रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि डाइवर्सिफाइड इसका सेगमेंट आ रहा है तो वहां पे कोई इसमें आ नहीं रहा है। कंपनी की साल दर साल प्रॉफिट देखें तो वो घटता हुआ दिखा है, FY22 में 1067 करोड़ का प्रॉफिट था और FY23 में 911 करोड़ का रह गया है। बट उससे पहले देखें तो FY19 में कंपनी 900 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, 20 में फिर 722 रह गया, 21 में 674 रह गया, 22 में एक जंप आया 1100 करोड़ के समथिंग, 1067, और अभी 23 में फिर गिर गया प्रॉफिट।
तो ये कंपनी अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू बढ़ा नहीं पा रही है। लेकिन एक और चीज बता दूं, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का 8% है, स्टॉक का प्राइस 44% भागा है। तो ये भी आपको याद रखना है कि नेगेटिव ही दिख रही है चीजें, मुझे ज्यादा कुछ खास अच्छी दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर 66.53% होल्ड करते हैं, FIIs 2.67%, DIIs 8.81%, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास तो स्टेक बिल्कुल ज्यादा दिख ही नहीं रहा है, 20.97 है, जिसमें से कुछ बड़े नाम भी है, 4.5% स्टेपन होल्डिंग के पास है, 3% रिस्ताना सर्विस के पास है, 1% साल पेट्रॉन एंड टर्न स्टोन्स के पास भी एक है, यानी कि एक और एक दो और तीन पांच और 9.5%, यानी केवल 11.5% के समथिंग पब्लिक के पास स्टेक है। यही एक अच्छी चीज दिख रही है, बाकी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है इस स्टॉक में। तो मैं अवॉइड की राय दूंगा, फ्रेश अगर आपके पास है और स्टॉक गिर जाए तो बेचना मत, बट फ्रेश एंट्री और एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए आपको। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।